हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। एनएस एजुकेशन के इस वीडियो में हम टॉप 500 प्लस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर का पार्ट 13 पढ़ेंगे और ये हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज एमपीएसआई एमपी कांस्टेबल मध्य प्रदेश जीके और अन्य जो टेस्ट सीरीज है वो सारी अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी पीडीएफ हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, ये अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये और जो व्यापम के एग्जाम्स होते हैं उन सबकी भी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है और हमारा जुलाई से लेकिन नवंबर तक का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर भी आ गया है 2019 का, वो अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको भी आप ले सकते हैं। और इसमें दोनों प्रकार से आप पढ़ाई कर सकते हैं, एक अगर आप शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से इसमें पढ़ सकते हैं, डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से भी आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी और पॉइंट के फॉर्म में इसको अरेंज करके मैंने दिया हुआ है तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और पूरा जो करंट अफेयर है इससे बाहर आपसे करंट अफेयर नहीं जाएगा। तो पहला जो प्रश्न है वो है किस देश की कंपनी मध्य प्रदेश के आष्टा में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेटा सेंटर बनाएगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो ये जो कंपनी है इस कंपनी का नाम है स्टेट क्राफ्ट, ठीक है, स्टेट क्राफ्ट। और ये कंपनी किस देश की है, ये कंपनी है हमारी नॉर्वे देश की, ठीक है। और ये देश का एक हाई डेंसिटी स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा सेंटर बनना है, ठीक है, हाई डेंसिटी स्टेट ऑफ द हार्ट डेटा सेंटर बनेगा। और पूरा ये जो डेटा सेंटर बनेगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है उसका हब बनेगा, किसका हब बनेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनेगा, ठीक है। और एक और आष्टा का एक गांव है जिलाला गांव, ठीक है, जिलाला, ठीक है, इस जिलाला गांव में ये बनना है जिसमें सरकार ने 532 एकड़ की जो जमीन है वो इसके लिए चिन्हित कर ली है और ये सरकार कमलनाथ सरकार जो है वो इसको जमीन देगी। और इसमें करीब निवेश कितना होगा कंपनी का, करीब 8,000 करोड़ रुपए का निवेश इसमें होगा। दूसरी चीज, ये कंपनी करेगी ये पूरा निवेश, इसके साथ साथ यहाँ पर एक आईटी पार्क भी बनाया जाना है, ठीक है, आईटी पार्क भी बनाया जाएगा और कंपनी और सरकार के बीच में इससे संबंधित एक करार भी होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गायों को गोद लेने की पेशकश के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की घोषणा की है। तो गायों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो बना लिया गया है और ये जो पोर्टल है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया है। अगर इसके प्रस्ताव की हम बात करते हैं तो गायों को सुरक्षित करने के लिए पूरा प्रस्ताव जो है प्लान है बनाया गया है और सरकारी फंड में अगर आप कोई गाय को लेना चाहते हैं, गोद लेना चाहते हैं तो आप सरकारी फंड में एक फंड जमा कर सकते हैं और ले सकते हैं। अलग अलग इसके प्लान हैं, जैसे आजीवन अगर गोद लेना है आपको तो 3 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, एक साल के लिए आपको 21,000 रुपये देने पड़ेंगे, एक महीने के लिए लेना चाहते हैं तो 2100 रुपये देने पड़ेंगे, 15 दिन के लिए 1100 देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा जो है वो आपका इसका मतलब प्रस्ताव जो है वो है, ठीक है। इसके अलावा अगर एनआरआई कोई है वो लेना चाहता है तो वो भी इसको ले सकता है और गोद जो भी गाय को लेगा उसकी तस्वीर भी इस पोर्टल पे दिखाई जाएगी, ठीक है। तो इसके जो प्लान है वो 15 दिन से लेके आजीवन तक स्टार्ट होते हैं और ये 1100 रुपये से मैक्सिमम कितना अमाउंट जाएगा, 3 लाख। देखिए ये अमाउंट है, आप लोग कहते हैं कि मैं डिटेल में कुछ ज़्यादा ही पढ़ाता हूँ। अब अगर मान लीजिए आपसे ये पूछें कि अगर आप गाय को आजीवन गोद लेना चाहते हैं, ये प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आपको कितना फंड देना पड़ेगा, 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो मैंने आपको बस इतना सा पढ़ा दिया है तो आपको डिटेल पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है और यहाँ पर मैं टॉप 500 प्लस क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैं पूरा आपको कवर कराऊंगा और आपका MPPSC 12 जनवरी का 10-10, 12-12 मिनट की वीडियो बनते हैं। अगर आप डेली 10-12 मिनट करंट अफेयर को नहीं दे सकते आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप PDF भी हमारी ले लें, आपको समझ आ जाएगा कि कितना करंट अफेयर है और मैं आपको कितना पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी है, इसलिए ध्यान लगा के आप डेली 10-15 मिनट दीजिए, आपका करंट अफेयर ही 500 क्वेश्चन में करा दूंगा, इसी में से लगभग आपका करंट अफेयर जो है वो एग्जाम्स में बन जाएगा। अभी हाल ही में किसानों को उपज की बेहतर कीमत दिलाने के लिए किस प्रदेश सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर मॉडल कानून को हरी झंडी दे दी है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या होगा, किसानों को जो उनकी उपज है उसकी कीमत अच्छी मिल जाएगी और ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं, अगर कोई किसान सब्जी उगाता है, ठीक है, मतलब खेती ही नहीं है केवल कि गेहूं उगा लिया तो उसके लिए है, अगर वो सब्जी उगाता है या कोई औषधीय फसल उगाता है तो उसको भी इसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। और
औषधीय फल और सॉरी औषधीय फसल और आपकी जो सब्जियां हैं उनकी भी प्रसंस्करण इकाइयां लगाई जाएंगी, और इसके लिए सरकार जो है आईटीसी कंपनी का सहारा ले रही है, आईटीसी कंपनी की मदद से बनाया जाएगा। आईटीसी कंपनी है आपकी इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड, आईटीसीएल आप समझ सकते हैं इसको, इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और इसके लिए एक राज्य स्तरीय बोर्ड का भी गठन किया जाना है, इसका भी प्रस्ताव है, ठीक है। तो अच्छा, ये कंपनी जो है आईटीसी, इसकी संजीव पुरी जो है, संजीव पुरी वो इसके चेयरमैन है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लो। अगला प्रश्न, किस जिले में कैंसर के उपचार के लिए वनौषधियों की पहचान कर उनके दवाओं में उपयोग के लिए प्रसंस्करण इकाई लगाई जाएगी। तो देखिए, कैंसर के उपचार के लिए तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और वनौषधियों की पहचान करके ये लगाया जाएगा आपका प्रसंस्करण इकाई जो है, ये छिंदवाड़ा में एक तामिया करके जगह है, वहां पर ये प्रसंस्करण इकाई जो है वो लगाई जानी है, ठीक है। अगला गाइज, ये हमारा टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सिर्फ 20 रुपीज में आपको ये मिलेगा, और ये हिंदी में केवल आपका अवेलेबल है। 10 फुल लेंथ टेस्ट यानी 10 जो FLT है वो आपको उसमें मिल जाएंगे। एक और चीज है, आप अगर इसका PDF चाहते हैं, इसकी भी देखिए डेली PDF जो है वो आपको टॉप 500 प्लस करंट अफेयर्स की जो PDF है, अभी जो जितनी भी है वो सारी PDF जो है वो आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम जरूर अपडेट करने में उसको लग जाता है, तो वो आप वेबसाइट से हमारी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिए, और उसमें सर्च करिए @NSEducation, और NSEducation में कोई गैप आपको नहीं देना है, क्योंकि एक और कोई ग्रुप बना रखा है किसी ने NSEducation के नाम से, ठीक है, तो आपको कोई गैप इसमें नहीं देना, तो आपको ये मिल जाएगा। चलिए, प्रश्न है, केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कितने करोड़ रुपए दिए हैं। तो देखिए, स्वच्छ भारत मिशन जो है उसके लिए केंद्र सरकार ने 721 करोड़ मध्य प्रदेश सरकार को दिए हैं, और एक और चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये राशि उपयोग करने वाला ऐसा पहला प्रदेश, पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जो राशि है स्वच्छ भारत के लिए वो राशि कौन यूज कर रहा है, वो मध्य प्रदेश ही कर रहा है, तो ये प्रश्न भी यहाँ पर याद रखें। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के 378 जो नगरीय निकाय हैं उनने ODF का यानी ओपन डेफिकेशन फ्री का सर्टिफिकेट ले चुके हैं वो, ठीक है, और 143 ऐसे शहर हैं जो आज ODF अभी भी नहीं है, ये सितंबर की आपको बता रहा हूँ मैं, सितंबर में 143 ऐसे शहर हैं जो ODF नहीं है, इनमें से 23 ऐसे हैं जो दोबारा सर्वे में फेल हो गए हैं, जबकि 120 ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए आवेदन नहीं किया। और एक और चीज़ आप जान लो, अभी हाल ही में पिछले महीने ही मुरैना नगर निगम जो था इसका जो ODF का दर्जा है वो कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री अब मुरैना नहीं रहेगा। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की माइनिंग इंडस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस कहाँ संपन्न हुई। तो माइनिंग इंडस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस जो है वो राष्ट्रीय स्तर की, इसका आयोजन किया गया है बेंगलुरु में, और बेंगलुरु में इसका किस नाम से करा गया है, ये करा गया है माइनिंग माजमा 2019। कहाँ पर करा गया है, ये करा गया BIEC, कोई कॉलेज होगा वहाँ पर, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है, और ये किसके द्वारा करा गया है, ये करा गया है फेडरेशन ऑफ मिनरल इंडस्ट्रीज के द्वारा, ठीक है, मिनरल इंडस्ट्रीज के द्वारा इसको करा गया है, ठीक है। और इसमें खनिजों खनन से संबंधित अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने हिस्सा लिया, मध्य प्रदेश से इसमें जो खनिज मंत्री हैं प्रदीप जायसवाल, ठीक है, प्रदीप जायसवाल ने इसमें हिस्सा लिया। चलिए, कमेंट करके बताइए कि प्रदीप जायसवाल जो हैं ये किस एरिया के, किस विधानसभा सीट से विधायक हैं। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में सौरभ वर्मा ने वियतनाम ओपन बैडमिंटन खिताब जीत लिया है, उनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से। तो देखिए, सौरभ वर्मा जो है ये धार जिले से इनका संबंध है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वियतनाम ओपन बैडमिंटन खिताब इन्होंने अभी जीता था। और एक और चीज आपको बता दूं मैं, वियतनाम ओपन BWF टूर के नाम से था, सुपर 100 टूर्नामेंट, ठीक है, ये इसमें जीता, और इन्होंने हराया किसको है, इन्होंने हराया है चाइना के खिलाड़ी हैं सुन सुन फेई शियांग, ठीक है, इनको मतलब इस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का जो खिताब था वो जीत लिया इनको हरा के। एक और चीज आप जान लो, भी हाल ही में हैदराबाद ओपन जो हुआ था वो भी इन्होंने ही जीता था। इसके अलावा स्लोवेनिलाई स्लोवेनिलाई
अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये भी होती है, इसका भी खिताब इन्होंने जीता है। और लास्ट ईयर मैं आपको बता दूं, अच्छा एक और चीज़, अभी हाल ही में मतलब ये 2-3-4 दिन पुरानी न्यूज़ है, सैयद मोदी टूर्नामेंट जो है, सैयद मोदी टूर्नामेंट अभी जो हुआ था उसमें इनको सिल्वर मेडल मिला है, मतलब ये फाइनल में पहुँच के हार गए थे, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख लो। एक और चीज़ बता दूँ, रसिया ओपन जो होता है, रसिया ओपन का खिताब जीतने वाले कब जीता है इन्होंने, 2018 में, 2018 में रसिया ओपन का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे लास्ट ईयर, तो ये भी आप ध्यान रखें, ये प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है। अमन गौर एवरेस्ट विजेता मेघा परमार के 4 सदस्यीय पर्वतारोहण दल के साथ किस देश के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर किलिमंजारो की चढ़ाई के लिए जाएंगे, तो देखिए ये आपका अफ्रीका जो है, अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, वहां पर ही जाएंगे अमन गौर, और ये 4 सदस्यीय टीम जो है वो इनकी है, इसमें आपका देखिए अमन गौर हैं, और मतलब इसमें अरुण भी हैं एक, ठीक है, हालांकि ये उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आशा हैं एक, महिपाल हैं एक, सतीश हैं, ठीक है, तो इस तरीके से 4-5 लोगों का ये पूरा एक दल है। ये 15 सितंबर को भोपाल से गए थे, ठीक है, और इन्होंने हाल में ही पीसी शर्मा जी से मुलाकात भी करी थी, उसके बाद ये गए थे। और एक और चीज़ आप जान लो, मेघा परमार जो हैं, मेघा परमार, ठीक है, ये एवरेस्ट फतेह भी कर चुकी हैं, एवरेस्ट फतेह भी कर चुकी हैं, इसके बाद अभी यूरोप की जो सबसे ऊंचा पर्वत है एल्ब्रस, ठीक है, एल्ब्रस को भी इन्होंने फतेह कर लिया है, ठीक है, ठीक है, तो ये इतना चीज़ आपको ध्यान रखना। अब अफ्रीका की जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है किलिमंजारो, वहां पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में माधवराव सिंधिया अभयारण्य बनाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है, यह किस तहसील के वन क्षेत्रों को मिलाकर बनाया जाएगा, तो देखिए श्योपुर, कराहल और बीरपुर, ये तीनों तहसीलों को मिलाकर माधवराव सिंधिया अभयारण्य बनाया जाना है, और इसमें देखिए ग्वालियर चंबल संभाग के एरियाज हैं मतलब मेनली, और तीन ये जो तहसीलें हैं ये श्योपुर जिले की तहसीलें हैं, इनको मिलके पूरा अभयारण्य जो है वो बनाया जाना है, और इसका नाम क्या रख दिया है, माधव राव सिंधिया अभयारण्य, तो ध्यान रखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके लिए पूरा एरिया वगैरह चिन्हित कर लिया गया है, इसमें करीब 77,574.508 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है वो इसमें मतलब आरक्षित वन का क्षेत्र है वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, 77,574.508, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां मध्य प्रदेश सरकार द्वारा साइंस सेंटर शुरू करने का निर्णय लिया गया है, तो मध्य प्रदेश सरकार जो है वो एक साइंस सेंटर बनाएगी, और ये साइंस सेंटर कहां पर शुरू कराया जाएगा, ये बनाया जाएगा छिंदवाड़ा में, ठीक है, तो पीसी शर्मा जी ने इसके बारे में जानकारी दी थी, ठीक है, छिंदवाड़ा में बनाया जाना है इसको, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का साइंस सेंटर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखें। तो वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं, लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो हम फिर वीडियो सीरीज बंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत कम व्यूज़ अभी फिलहाल के लिए मुझे मिल रहे हैं, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, नहीं तो फिर मैं इसको नहीं बना पाऊँगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो पर कमेंट जरूर करते रहें, थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं।